एक गांव में ऐश्वर्या नाम की लड़की रहती थी। उसकी बचपन में माँ गुजर जाने के वजह से ऐश्वर्या का पिता ने सबिता नाम के औरत से दूसरी शादी कर लिया है। सबिता को अमृता नाम की बेटी पैदा हुई थी। थोड़े साल के बाद ऐश्वर्या के पिता भी मर गए। सबिता ऐश्वर्या और अमृता दोनों को बहुत प्यार से देखती थी, मगर अमृता को ऐश्वर्या को देखकर उससे भी बहुत अच्छा पढ़ाई करती है और माँ भी उससे बहुत प्यार से देखती है कहकर बहुत जलती थी। गांव वालों को समझ में नहीं आता था कि सबिता सौतेली बेटी को अपने खुद की बेटी से भी ज्यादा प्यार क्यों करती है। बहुत साल बीत गए, ऐश्वर्या और अमृता बड़े हो गए। सबिता ने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई। एक दिन सबिता ने अपने दोनों बेटियों से, देखो बच्चों, तुम दोनों जितना तक पढ़ना चाहते थे उतना तक पढ़ाया, अब बाकी का बचा हुआ जिम्मेदारी तुम्हारी शादी कराना है। अगर आप लोगों को कोई पसंद है तो बताओ, मैं उनसे बात करके शादी कराऊंगी। माँ, मैं विक्रम नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, कॉलेज में वो मेरा सीनियर है। अग्रवाल इंडस्ट्री में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ट्रेनी की तरह ज्वाइन हुआ है। अग्रवाल इंडस्ट्रीज कितना बड़ा कंपनी है आपको पता है? इंडिया में टॉप मोस्ट पोजीशन में है। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, बच्चा जिम्मेदार वाला है, पढ़ाई खत्म होते ही नौकरी कर रहा है। ऐश्वर्या, तुम्हारा क्या है? तब ऐश्वर्या कुछ कहने वाली ही थी। इस देर दिमाग वाली को इतना सीन नहीं है, हमेशा तेल का मुंह से रहती है, लड़के इसे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। मेरा कोई भी नहीं है माँ, आप जिसे कहोगे मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी गुड़िया के लिए कल ही अच्छा रिश्ता देखने के लिए रामदास जी को बोलती हूँ। देखो अमृता, तुमसे बड़ी दीदी है ना, दीदी का शादी होते ही तुम्हारी शादी कराऊंगी। क्या, इसकी शादी? इसकी शादी होने तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा? मेरा दांत निकल जाएंगे, मगर वो कभी नहीं होने वाला है। माँ, आप ऐसे कोई नियम मत रखिए, पहले बहन की शादी होने दो। तब सबिता ने रीति रिवाज के साथ अमृता की शादी करवाई। थोड़े दिन बीत गए। एक दिन एक आदमी सबिता के पास आया। नमस्ते जी, मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है, अग्रवाल इंडस्ट्री के चेयरमैन का बेटा हूँ। आपकी बेटी ऐश्वर्या को मंदिर में देखा और मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। फिर वो बात जानकर अमृता और भी ईर्ष्या द्वेष से जल गई। फिर शादी के दिन मंडप के पास ऐश्वर्या के लहंगा को छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया। और ऐश्वर्या के कपड़े, जेवर सब कुछ छुपा दिया। फिर कुछ भी नहीं जानती जैसी ऐश्वर्या के पास आकर, दीदी क्या हो गया है? देखो, शादी से पहले ही तुम्हारे लहंगा का ऐसा होना कितना अशुभ है। अगर तुम ये शादी करोगी तो कभी भी खुश नहीं रहोगी। तुरंत ही दिनेश को कहकर शादी को कैंसिल कर दो। तब ऐश्वर्या को क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आकर रोते हुए बैठ गई। तभी सबिता वहां आई। फिर टुकड़े टुकड़े लहंगा को देखकर क्या हुआ है उसे सब कुछ समझ में आ गया। तुम फिकर मत करो बेटी, कहकर उसके सूटकेस के अंदर से एक सुंदर सा लहंगा बाहर निकालकर उसको दिया। देखो बेटी ऐश्वर्या, ये तुम्हारी माँ ने उसके शादी में पहना हुआ लहंगा है। तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले ये तुम्हारे शादी में देने के लिए कहा था। मैंने भी अपने शादी में यही लहंगा पहना था। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये मेरे पास होने की वजह से मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से रह पाई हूँ। इतने दिन तुम्हारे पिताजी नहीं होने से भी, मैं मेहनत ना करने से भी अभी तक इस लहंगे की वजह से तुम्हें पाल पाई हूँ। तुम एक बार इसे पहनकर देखो इसका महानता क्या है, तुम्हें ही पता चल जाएगा। फिर ऐश्वर्या ने उस लहंगा को पहना। वो उसके नाप लेकर सिलवाया जैसा ही अच्छा से फिट हो गया। ऐश्वर्या का सुंदरता बढ़ गया और उसके पूरे बदन में सोने के जेवर से भर गया। उस कमरे में बहुत सारा सोना, जेवर और शादी के लिए जो जो चाहिए था वो सब कुछ प्रकट हुए। कोई भी रुकावट के बिना ऐश्वर्या का शादी दिनेश के साथ धूमधाम से हुआ। ऐश्वर्या के लहंगा से आए हुए साड़ियां और जेवर लेकर सबिता ने शादी में आए हुए रिश्तेदारों को बांटा।
उस लहंगा में सुंदरता से महकता हुआ ऐश्वर्या को देखकर अमृता का मन बदल गया। मुझे माफ कर दो दीदी, तुम्हें इतना सुंदर रिश्ता आया हुआ देखकर मुझे पसंद नहीं आया और गुस्से से ऐसा किया। ऐश्वर्या के पास मैजिकल लहंगा के वजह से ससुराल में कोई भी मुश्किल के बिना सबसे मिलजुल कर खुशी से रहने लगी।